हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है वो है कन्वेयर लाइन का ऊपर में ए टू जेड क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग जानेंगे व्हाट इज कन्वेयर, कन्वेयर क्या है, टाइप्स ऑफ कन्वेयर कितना टाइप का है, हम लोग सेफ्टी डिवाइस के लिए क्या क्या सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं कन्वेयर सेफ्टी के लिए, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। कन्वेयर का TPH क्या है, कन्वेयर का RPM क्या है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। कन्वेयर का फ्रेम कितना टाइप का है, रोलर फ्रेम कितना टाइप का है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में जो बच जाता है मैग्नेट सेपरेटर कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग कन्वेयर में, वो BMS क्या है, ILMS क्या है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में डिस्कशन करेंगे बेल्ट चालू करने से पहले हम लोग क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं बा सेफ्टी डिवाइस को फॉलो करके हम लोग बेल्ट चालू करते हैं उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों लोग का साथ शेयर करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक के ऊपर में और डिस्कशन करते हैं कन्वेयर का ए टू जेड डिटेल्स में। चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हुए हैं वो है कन्वेयर। कन्वेयर का ऊपर में फुल डिटेल्स में आज जानते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वेयर, कन्वेयर क्या है। ए कन्वेयर इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक कन्वेयर एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस। इट इज ए कॉमन पीस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ये कॉमन पीस ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है वेराइटी इंडस्ट्रीज में, जो कि इंक्लूडेड है उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और पैकेजिंग यूनिट है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। जरूर इसको याद रख लीजिए क्योंकि जो कन्वेयर लाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए। हम लोग जैसे कि उसको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, पैकेजिंग यूनिट में और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में यूज़ करते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ कन्वेयर, कन्वेयर कितना टाइप का है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर, कन्वेयर तो बहुत सारा टाइप का होता है और उसमें से कॉमन फाइव टाइप का जो होता है वो होता है बेल्ट कन्वेयर, टू में होता है पाइप कन्वेयर, थ्री में होता है बकेट कन्वेयर, फोर में होता है स्क्रू कन्वेयर, फाइव में होता है रोलर कन्वेयर। ज़्यादातर ये पाँच कन्वेयर को हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। जैसा कि हम लोग पहले देख लेते हैं पाइप कन्वेयर, पाइप जो कन्वेयर होता है कुछ इस डिज़ाइन का होता है। मैं आपको ग्राफिक्स का थ्रू दिखा रहा है, एक पिक्चर देके दिखा रहा हूँ आप समझ पाएँ अच्छे से। और जो बेल्ट कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर देखिए आपका लेफ्ट साइड में जो है वो बेल्ट कन्वेयर है, वो जो राइट साइड में वो है पाइप कन्वेयर, कुछ इसी डिज़ाइन का होता है। दोनों में थ्री रोलर लगता है और उसका जो डिजाइनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस होता है। देखते हैं बकेट कन्वेयर, जो बकेट कन्वेयर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वर्टिकली होता है और कोई बकेट का शेप का होता है, इसीलिए हम लोग उसको बकेट कन्वेयर बोलते हैं। जरूर इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट में था स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये होता है स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर का कुछ पार्ट्स का ऊपर में भी हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। कुछ पार्ट्स रहता है, शाफ्ट रहता है, बेयरिंग एंड सील रहता है, हैंगर बेयरिंग रहता है, डिस्चार्ज का पॉइंट रहता है, पावर ट्रांसमिटर का जो इक्विपमेंट रहता है, शाफ्ट रहता है, कवर रहता है और स्क्रू और इनलेट दोनों रहता है, इनलेट और आउटलेट दोनों रहता है। नेक्स्ट जो था वो था रोलर कन्वेयर। रोलर कन्वेयर ज़्यादातर हम लोग इस तरीके का दिखता है और जो रोलर कन्वेयर हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट में ही देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइस यूज इन बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में हम लोग बेल्ट को सेफ्टी रखने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सेफ्टी डिवाइस यूज इन बेल्ट कन्वेयर, वन में है इमरजेंसी स्विच, टू में है पुलकट स्विच, थ्री में है BSS, फोर में है ZSS एंड फाइव में है हुटर। पहले हम लोग इमरजेंसी स्विच का यूज़ करते हैं, पुलकट भी यूज़ करते हैं बेल्ट का सेफ्टी के लिए, BSS बा बेल्ट सा स्विच और ZSS बा जीरो स्पीड सेंसर जो होता है एंड हुटर, हम लोग इसको बेल्ट सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि इमरजेंसी स्विच कुछ इस तरह का दिखता है, आप जरूर देखे होंगे बेल्ट कन्वेयर में, आप कहीं पर टेल एंड में भी देख सकते हैं, हम हेड एंड में भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का रेड कलर का बटन रहता है। जो नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइस था वो था पुलकट स्विच। जो पुलकट स्विच होता है कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिखता है, आप कन्वेयर में देखे होंगे और ऐसा कुछ रहता है और रेड का वायर लगता है, पूरा कन्वेयर कवर करता है, कन्वेयर साइड में ही रहता है। कहीं पे भी कन्वेयर में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप पुलकट को खींच के आप कन्वेयर को बचा सकते हैं कुछ डैमेज से। और जो नेक्स्ट में था बेल्ट सॉ स्विच। बेल्ट कहीं पे सॉ हो रहा है, बेल्ट थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आप बेल्ट सॉ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंस्टॉल करते हैं हम लोग बेल्ट में,
वो बेल्ट किधर में सॉ हो रहा है तो हम मालूम कर सकते हैं। जरूर इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट सॉ स्विच। और जो नेक्स्ट में था वो था जीरो सेंसर स्विच, जो कि हम लोग एक डिवाइस फिटिंग करते हैं, कुछ इस तरीके का रहता है डिवाइस, इस तरीके का डिवाइस रहता है, हम लोग कन्वेयर लाइन में सेटअप करने के बाद में हम लोग मालूम चल जाता है बेल्ट कौन सा साइड में चल रहा है और उसका इंडिकेशन बार बार आता रहता है। इसको जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पूरा लास्ट में जो होता है वो होता है हुटर। हुटर हम लोग ये सब चीज़ ठीक है तो हुटर मार के हम लोग तीन बार हुटर मारने के बाद में हम लोग बेल्ट को चालू करते हैं। जरूर याद रख लीजिए। जो फोर नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं, व्हाट आर द टोटल पुली इन बेल्ट कन्वेयर एंड व्हाट इज द नेम। पुली जो बेल्ट में कितना टाइप का पुली होता है और क्या क्या नाम होता है उसका बारे में हम लोग देख लेते हैं। ए बेल्ट कन्वेयर सिस्टम टिपिकली हैज कॉमन सिक्स पुली। सिक्स पुली रहता है बेल्ट कन्वेयर में। एक में होता है हेड पुली जो टॉप में रहता है, दो में होता है स्नब पुली, थ्री में होता है हेड बेंड पुली एंड टेल बेंड पुली, देन फाइव में होता है टेकअप पुली एंड टेल पुली। जरूर इसको याद रख लीजिए। आपको और डिटेल्स में दिखाने के लिए मैं आपको पिक्चर का थ्रू भी दिखा दे रहा हूँ। ऊपर में जो हेड पुली है उसका नीचे जो स्नैप पुली है, दोनों बेंड पुली है, टेकअप पुली है और टेल पुली है लास्ट में है। जरूर इसको याद रख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हिच टाइप ऑफ रोलर एंड फ्रेम्स यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर एंड व्हाट इज द नेम। हम लोग कौन सा टाइप का रोलर और फ्रेम यूज करते हैं बेल्ट कन्वेयर में एंड उसका नाम क्या है उसका बारे में जान लेते हैं। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रोलर दैट कैन बी यूज इन बेल्ट कन्वेयर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोलर इंक्लूडिंग वन में है कैरिंग रोलर, टू में है इंपैक्ट रोलर, थ्री में है रिटर्न रोलर एंड फोर में है गाइड रोलर। ज़्यादातर हम लोग चार टाइप का ही यूज करते हैं रोलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिक्स क्वेश्चन, व्हाई यूज्ड इन मैग्नेट सेपरेटर ऑन बेल्ट कन्वेयर एंड व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर इज यूज्ड। हम लोग क्यों कन्वेयर में मैग्नेटिक सेपरेटर यूज करते हैं एंड कौन सा कितना टाइप का मैग्नेटिक सेपरेटर होता है। आंसर का तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर्स आर यूज्ड ऑन बेल्ट कन्वेयर टू रिमूव ट्रैप आयरन फेरस मेटेरियल फ्रॉम द कन्वेयर मेटेरियल। तो कन्ड मेटेरियल जो मेटेरियल हम लोग प्रोसेस हो रहा है बेल्ट का थ्रू, उसमें कोई फेरस मेटेरियल बा, आयरन आ गया, कोई मेटल पीस आ गया, तो हम लोग उसको निकालने के लिए मैग्नेट सेपरेटर यूज करता है। देयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। दो टाइप का होता है, एक होता है OBMS, एक होता है ILMS। एक में होता है ओवर बेंड मैग्नेटिक सेपरेटर, सेकंड में होता है इनलाइन मैग्नेट सेपरेटर। दो टाइप का मैग्नेट सेपरेटर होता है। OBMS कुछ इस तरीके हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कुछ हैंगिंग का पोजीशन में रहता है बेल्ट का ऊपर में। ओवर बेंड मैग्नेट सेपरेटर बा OBMS हम लोग बोलते हैं उसको, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई मेटल पीस कन्वेयर में आ जाए तो उसको निकालने के लिए वो खींच लेता है। और जो सेकंड में होता है वो होता है इनलाइन मैग्नेट सेपरेटर बा ILMS। दो टाइप का मैग्नेट सेपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेयर में। जरूर इसको देख लीजिए, इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं मटेरियल को निकालने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज RPM एंड TPH ऑफ बेल्ट। बेल्ट में RPM क्या इंडिकेशन करता है और TPH क्या इंडिकेशन करता है। RPM स्टैंड्स फॉर रिवोल्यूशन पर मिनट, कन्वेयर कितना स्पीड में चल रहा है रिवोल्यूशन पर मिनट में। और जो TPH स्टैंड करता है वो होता है टर्न पर आवर, कन्वेयर कितना टर्न पर आवर में कर रहा है। जरूर इसको याद रखिए। जो क्वेश्चन नंबर एट का तरफ चलते हैं, एट है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द कन्वेयर। हम लोग कन्वेयर स्टार्टिंग करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेंगे, देख लेते हैं। आंसर का तरफ चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द कन्वेयर बेल्ट इट शुड बी इंश्योर दैट नो वर्क ग्रुप शुड बी वर्क इन द कन्वेयर बेल्ट। हम लोग कन्वेयर बेल्ट में कोई वर्क ग्रुप काम नहीं कर रहा है उसको जरूर इसको पहले देख लेंगे, देन देख लेंगे। इट शुड बी चेक्ड फ्रॉम टेल पुली टू हेड पुली एंड देयर शुड नॉट बी एनी अबनॉर्मल कंडीशन। हम लोग टेल पुली से हेड पुली तक अच्छे से चेक करेंगे, कोई अबनॉर्मल कंडीशन ना हो। कंट्रोल रूम इंजीनियर एंड फील्ड ऑपरेटर टू मेंटेन गुड कम्युनिकेशन। जो कंट्रोल रूम इंजीनियर है और फील्ड ऑपरेटर है उसको गुड कम्युनिकेशन से हम लोग कन्वेयर को चालू करेंगे। एंड ब्लोइंग द हुटर थ्री टाइम्स, हम लोग थ्री टाइम हुटर देने का बाद में, बजिंग करने का बाद में हम लोग चालू करेंगे कन्वेयर को। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में हम तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था A to Z अबाउट कन्वेयर लाइन। कन्वेयर लाइन का ऊपर में हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन किए। आज आपको क्या क्या अच्छा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कहीं पर आप समझ नहीं पाए तो वो भी आप मेरे को कमेंट दीजिए, मैं उधर में आपको डिटेल्स में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा है तो जरूर
लाइक कर दीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।